नमस्कार विद्यार्थियों, ऋषिकुल ऑनलाइन स्कूल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम अपनी कक्षा में पाठ प्रत्यय के भेदों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्रत्यय के भेद कितने होते हैं। बच्चों, मूलतः प्रत्यय के भेद दो होते हैं। नंबर एक कृत प्रत्यय, जिसे कृदंत भी कहते हैं, और नंबर दो तदित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं, और उनके मेल से बने शब्द को कृदंत कहते हैं। तो यहाँ पर दो बातें हमें समझ आई गई होंगी। नंबर एक, क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं, और उनसे बने शब्द को कृदंत कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर बात करें तो ये वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप यानी धातु में जोड़े जाते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे लिख प्लस अक, लेख, अर्थात लिख यहाँ पर धातु है और अक जो है वो प्रत्यय है, और इन दोनों के मेल से जो शब्द बना वो है लेखक, और लेखक को हम कृदंत कहेंगे। ये जो है नया बना हुआ शब्द क्या कहलाएगा? कृदंत। अब बात आती है कि धातु क्या होती है। बच्चों, ये प्रत्यय क्रिया या धातु को नया अर्थ देते हैं। कृत प्रत्यय के योग से संज्ञा और विशेषण बनते हैं। हिंदी में क्रिया के नाम के अंत का ना अगर हटा दें तो जो शेष बचता है वही धातु है। जैसे कहना, कहना में अगर ना हटा दी तो क्या बचा? कह, यानी के कहना शब्द में कह धातु है। ऐसे चलना, इसका ना हटा दिया जाए तो क्या बचा? चल, यानी के चलना शब्द में चल धातु है। अब बात करते हैं तदित प्रत्यय की। बच्चों, जब संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में जो प्रत्यय लगते हैं उन शब्दों को हम तदित प्रत्यय कहते हैं। दोबारा सुनिए, जब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में जो प्रत्यय लगते हैं उन शब्दों को तदित प्रत्यय कहते हैं। तदित प्रत्यय से मिलाकर जो शब्द बनता है उन्हें हम तदितांत प्रत्यय कहते हैं। जैसे सेठ प्लस आनी, सेठानी। तो सेठ यहाँ पर संज्ञा है और उसमें आनी प्रत्यय लगा हुआ है, तो यहाँ पर शब्द बना सेठानी।